નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો ચિલ્ડ્રેન, સ્ટેન્ડર્ડ સેકન્ડ સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ. ટુડે વી વિલ લર્ન અ બ્યુટિફુલ પોયમ, યુનિટ 3, અ સ્માઇલ. હેલો ચિલ્ડ્રેન, હાઉ આર યુ ઓલ? સ્ટેન્ડર્ડ સેકન્ડ સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ, યુનિટ 3. ટુડે વી વિલ સ્ટાર્ટ અવર ન્યુ ટોપિક ઇન યુનિટ 3, અ સ્માઇલ. This is a wonderful poem, right? About smile. आप सबको smile के बारे में तो पता ही होगा, right? हम कब smile करते हैं? जब हम happy होते हैं, और जब हमारे friends को मिलते हैं, जब कोई हमें smile, तब हम smile करते हैं, right? Okay. तो आज हमें थोड़ा detail में जानेंगे smile के बारे में, right? Okay. तो चलो, हमें poem read करनी है, तो please open your textbook. पेज नंबर 39, यूनिट 3. दिस इज अ पोयम, राइट? दिस वन. ओके, यू हैव टू रीड आफ्टर मी. और आपको जहां जहां न्यू वर्ड्स दिखते जाए वहां पे आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, जस्ट फॉर योर रिमाइंडर. आपको याद आ जाएगा, राइट, कि ये हमारे न्यू वर्ड्स है, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट, अ स्माइल. A smile is quite a funny thing. One more time. A smile is quite a funny thing. Okay, children. अब आपको smile के बारे में तो पता ही है, right? Smile का मतलब क्या होता है? जो हम smile करते हैं ना, हंसते हैं ना, बहुत ही अच्छे से smile करते हैं, right? तो smile का मतलब होता है. और यहाँ पे है quite. Q-U-I-T-E, quite. Now, what is the meaning? क्वाइट का मीनिंग होता है बहुत, काफी काफी. स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. स्माइल बहुत ही एक फनी थिंग है. फनी बहुत ही खुश मिजाज फनी थिंग है, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन. इट रिंकल्स अप योर फेस. वन मोर टाइम. इट रिंकल्स अप योर फेस. हियर यू कैन फाइंड अ न्यू वर्ड, रिंकल्स. W-R-R-N-K-L-E-S, wrinkles. Now, what is the meaning of wrinkles, children? जब हम हंसते हैं तब पता है ऐसे smile पर, जब हम smile करते हैं यहाँ पे ऐसे lines बनती है, right? तो जब हम smile करते हैं तो अजीब सी, बहुत ही अच्छी सी face के ऊपर line बन जाती है. चलो try करो आप सब, smile करके दिखाओ. देखा ना आप mirror में, देखो कैसी अच्छी सी यहाँ पे line बनती है. तो उसे क्या कहते हैं हम? रिंकल्स, राइट? तो ये जो रिंकल्स होती है, फेस पे ऐसे लाइंस बनते हैं, उसे रिंकल्स कहते हैं. इट रिंकल्स अप योर फेस. आपके फेस पे रिंकल्स बन जाते हैं, राइट? एंड व्हेन इट्स गॉन, एंड व्हेन इट्स गॉन, यू शैल नेवर फाइंड. देखो, एक बहुत ही मैजिकल थिंग है. जैसे ही आपकी स्माइल गई, जैसे ही आपकी स्माइल चली जाती है, तो जो रिंकल्स बनी होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है. चलो ट्राई करो, मिरर में देखो और पहले स्माइल करो और यहाँ पे देखो रिंकल्स बनी. हाँ, अब देखो जैसे ही आपने स्माइल गई, रिंकल्स कहाँ गई? गायब हो गई ना. हाँ, ऐसे ही. एंड व्हेन इट्स गॉन, आई नेवर फाइंड. जैसे कि स्माइल चली जाती है, मैं कभी मेरे फेस पर रिंकल्स नहीं ढूंढ सकता. वेयर इज द रिंकल्स? रिंकल्स कहाँ चले गए, राइट? ओके, इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. सीक्रेट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हो सीक्रेटली, सबको ना पता चले, ऐसी कुछ बात होती है ना, तब कहते हैं आई विल टेल यू सीक्रेट. आपके फ्रेंड के साथ आप बातें करते हो ना सीक्रेटली, कि दूसरे फ्रेंड को पता ना चल जाए. हाँ, वही. It's secret hidden place, but far more wonderful it is. Wonderful का मतलब क्या होता है बच्चों? हमने पहले सीख लिया था, right? Wonderful का मतलब होता है अद्भुत, बहुत ही अच्छा, अद्भुत, जहाँ पर हमें कुछ देखना ना हो ऐसा, right? But far more wonderful it is. Secret है ये कि wrinkles कहाँ चली जाती है, किसी को नहीं पता कि ये कहाँ गए wrinkles, right? तो ये बहुत ही वंडरफुल थिंग है, बहुत ही अद्भुत थिंग है, राइट? ओके,
टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू। अब आपको देखना है स्माइल क्या कर सकते हैं, राइट। स्माइल एक स्माइल क्या कर सकती है, चलो हम देखते हैं। नेक्स्ट जब रीड करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना। ओके, टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू, यू स्माइल्स एट वन, ही स्माइल्स एट यू। यस, दैट इज अ ट्रूथ, राइट। जब आप किसी को स्माइल करते हो तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आपने किसी को स्माइल की तो रिटर्न में तो वो स्माइल आपको करता ही है, करता है ना। ही और शी, दिस इज फॉर ऑप्शनल, ही और शी कोई भी, राइट। तो टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू, यू स्माइल्स एट वन, ही स्माइल्स एट यू। जब आप किसी को स्माइल करते हो तो रिटर्न में हमें स्माइल मिलती है, मिलती है ना बच्चों, बहुत ही अच्छे से स्माइल मिलती है। जैसे ही आपने स्माइल की तो डायरेक्ट रिटर्न में स्माइल आती है ना, आपने नोटिस किया ही होगा, राइट। ओके, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। वाओ, देखा, जैसे ही आपने वन स्माइल दी, सामने से दूसरी वन स्माइल मिल गई, तो वन प्लस वन हाउ मेनी, टू स्माइल्स, राइट। ओके, तो जब आप किसी को स्माइल करते हो तो रिटर्न में हमें स्माइल मिलती ही है, राइट। तो ये बहुत ही प्यारी सी पोयम है, मुझे तो रीड करना बहुत पसंद है। चलो आप वन मोर टाइम मेरे साथ रीड करोगे ना बच्चों, चलो करते हैं, राइट। प्लीज पुट योर फिंगर ऑन द टॉप ऑफ द पोयम, राइट। ओके, अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग। वन मोर टाइम, a smile is quite a funny thing, it wrinkles up your face and when it's gone, it wrinkles up your face and when it's gone, you shall never find its secret hiding place, but its secret hiding place, but far more पे आप कुछ चीज छुपा
फिर तो हाइड अवे, किसी को ना पता चले ऐसी प्लेस, राइट? हाइडिंग प्लेस इट मींस हाइड अवे। तो आज हमने टेक्स्ट बुक में जो 3 न्यू वर्ड्स है वो आज हमने मीनिंग के साथ रीड की है, राइट? तो आपको घर पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि ये न्यू वर्ड्स है, तो न्यू वर्ड्स को हमें ज्यादा अच्छी तरह से सीखना है। तो चलो वन मोर टाइम हम रीड करते हैं, राइट? ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ से wrinkles, it means a slight line. Wrinkles, it means slight line. Secret, it means untold. Secret, it means untold. Hiding place, it means hide away. Hiding place, it means hide away. So children, here our reading is complete. You can write it, their meanings, and you can read it also. And you can practice too, right? Okay, I hope you like this new words and their meanings. Thank you for joining us.